हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों के कुछ हिस्से में ब्रेक आता है। ऑप्शन है ए ऑप्शन साधारण, मल्टीपल, ग्रीन स्टिक या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग अपनी स्कोरिंग करके अवश्य बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रिलेट करेगा ए बी सी या फिर डी ऑप्शन में से कौन सा उत्तर राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल सही आंसर जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट किया है सी ऑप्शन, उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डी टूटती है ऊपरी त्वचा नहीं टूटती है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, साधारण फ्रैक्चर है, मल्टीपल फ्रैक्चर है या फिर डी ऑप्शन है, इनमें से सभी फ्रैक्चर है। बताइएगा 82 नंबर का आंसर क्या होगा। और कंटिन्यूटी आप सभी लोग बनाए रखिएगा, जिससे आने वाले एग्जाम में चाहे तो आपका टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे तो एलटी ग्रेड का हो, चाहे केवीएस का हो, चाहे तो डी ट्रिपल एस पी, जो भी एग्जाम आपको मिले उसको आप अच्छे नंबरों से क्रैक कर सकें। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साधारण फ्रैक्चर से रिलेट करेगा, बी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डी एक से ज्यादा जगह से टूटती है। मल्टीपल फ्रैक्चर, साधारण फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर या फिर इनमें से कोई नहीं। अब बताइएगा यहां पे कौन सा आंसर हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे क्विज के माध्यम से। जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। एलटी ग्रेड के लिए जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं पेमेंट कर सकते हैं इसी नंबर पर। और जो भी टीजीटी के लिए स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं वो भी इसी नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं। एलटी ग्रेड में आपको फिजिकल एजुकेशन के साथ में जीएस के क्वेश्चंस भी सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। डेली टेस्ट आपको ग्रुप में दिया जाता है जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप गेन कर सकें। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 83 का ए उत्तर, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें एक हड्डी टूटकर दूसरे में प्रवेश कर जाती है। 84 में इंपैक्ट, साधारण, ग्रीन स्टिक या फिर मल्टीपल। क्वेश्चन नंबर 84, आंसर होना चाहिए कौन सा, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करना है क्योंकि टीजीटी में बहुत से स्टूडेंट्स के आते हुए क्वेश्चंस गलत हुए और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी जिनका एक या दो नंबर तीन नंबर से सिलेक्शन रुका हुआ है। तो क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करिएगा उसके बाद ही आंसर अटेम्प्ट करिएगा। तो 84 का आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, इंपैक्ट से रिलेट कर जाएगा, ए उत्तर राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। स्क्रैप त्वचा वह म्यूकस झिल्ली कहलाती है, एब्रेशन कहलाती है, कॉन्ट्यूजन कहलाती है, ब्रिस कहलाती या फिर स्ट्रेन कहलाती है। 85 में बताना है आपको। और एलटी ग्रेड 1/3 माइनस मार्किंग और एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, जबकि टीजीटी में 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चार नंबर का एक क्वेश्चन होता है, टोटल पूर्णांक 500 का बनता है। इसलिए जो भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है और कट ऑफ आपको नहीं देखना, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने, चाहे जितना कट ऑफ जाए बस आपका सिलेक्शन होना चाहिए। 85 राइट आंसर हो जाएगा यहां पे, एब्रेशन ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्प्रेन व स्ट्रेन का इलाज किस विधि से किया जाता, कौन सी विधि से स्प्रेन व स्ट्रेन का इलाज किया जाता है वह आपको बताना है। गर्म पानी की सिकाई के द्वारा,
राइस विधि के द्वारा, राइस का फुल फॉर्म आप लोग बता दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आराम करके मालिश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86 आंसर हो जाएगा यहां पे क्या, बी ऑप्शन से रिलेट करेगा, फुल फॉर्म आप लोग को बताना है कमेंट के माध्यम से इसका फुल फॉर्म क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 87, स्ट्रेंथ क्या है, लिगामेंट का टूटना है, पेशियों का फटना या खिंचाव कहलाता है, हड्डियों का टूट जाना कहलाता है, या फिर हड्डियों का अपनी जगह से खिसक जाना स्ट्रेन कहलाता है। 87 में आप लोग ऑप्शन अटेम्प्ट करिएगा, और इसके पहले के वीडियो जिसने भी नहीं देखे यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। एलटी ग्रेड की अगर तैयारी करना चाहते हो तो एलटी ग्रेड से रिलेटेड भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, और टीजीटी से, पीजीटी से रिलेटेड, डीडब्ल्यूएसबी, आरपीएससी से रिलेटेड, हिमाचल पीटीआई या फिर राजस्थान पीटीआई से रिलेटेड अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उसके भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप करेंगे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स अपने तरीके से तैयारी करता है, बस उसको जरूरत है तो अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की, जिससे एग्जाम में वो क्वेश्चंस को सही कर सके। तो 87 में जो आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन यहां पर आप लोग रिलेट करेंगे, चार ऑप्शन है ए बी सी और डी। एग्जैक्टली यहां पे जितने भी स्टूडेंट्स ने बी ऑप्शन अटेम्प्ट किया है सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 88, चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिका, आरबीसी रक्त विषाणु या फिर हीमोग्लोबिन, बताइएगा। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी रक्त विषाणु या फिर हीमोग्लोबिन, राइट आंसर यहां पे आना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। इसके पहले के वीडियोस में भी ये क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, निम्न में से किस प्रकार की पेशियों अथवा टेंडन का ट्विस्ट, खिंचाव या फटना क्या कहलाता है, बर्विश कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है, भीतरी घाव कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। अपनी रफ कॉपी पे जहां भी आप लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं वहां पे अपना स्कोर अवश्य करिएगा, क्योंकि स्कोर करने से आपकी अपनी स्कोरिंग पता चलती है, और साथ में कितनी तैयारी करना ये भी आपको अंदाजा हो जाता, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। जो भी एलटी ग्रेड ज्वाइन करना चाहते हैं एलटी से जुड़ सकते हैं, टीजीटी से ज्वाइन होना चाहते हैं टीजीटी से भी ज्वाइन हो सकते हैं। 89 में आंसर जो हो जाएगा यहां पर स्ट्रेंथ से रिलेट करेगा, बी ऑप्शन सही होगा, बी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है, श्वेत रक्त कणिका के द्वारा होगा, लाल रक्त कणिका के द्वारा, रक्त विषाणु या फिर हीमोग्लोबिन। तो 90 का आंसर यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, सी ऑप्शन से रिलेट कर जाएगा, सी उत्तर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पीठ की समस्या एवं पीठ दर्द से बचने के लिए किस प्रकार के व्यायाम को करना चाहिए, किस प्रकार के व्यायाम को करना चाहिए, मकरासन व्यायाम करना चाहिए, भुजंगासन व्यायाम करना चाहिए, धनुरासन व्यायाम या फिर ये सभी व्यायाम करने चाहिए। यहां से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार कई पूछे गए थे, 3 से 4 क्वेश्चन आपके टीजीटी के एग्जाम में आए थे, और जबकि ये चैप्टर सिलेबस में नहीं दिया हुआ था, तो इसलिए सब पढ़िएगा क्योंकि कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके पहले के एग्जाम में जो सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इस बार सिलेबस से इतर भी क्वेश्चंस आए हुए थे, तो पूरा आपको पढ़ना है। 91 तो यहां पे मकरासन हो जाएगा, भुजंगासन भी हो जाएगा, धनुरासन भी, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त, सभी से रिलेट करेगा, डी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, स्प्रेन में कौन प्रभावित होता है, तो स्प्रेन में लिगामेंट व जोड़ प्रभावित होता है, केवल जोड़ प्रभावित होता है, लिगामेंट प्रभावित होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, 92 नंबर का आंसर बताना है आपको। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति में फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी किया गया है, अदर राज्यों में वैकेंसी धीरे धीरे निकल रही है, इसलिए
आप सभी लोग पढ़ते रहिएगा, यूपी में चुनाव के बाद आपको भर्ती देखने के लिए मिल सकती है, जिसमें जूनियर जो 6 से 8 तक के विद्यालय हैं उसमें भी फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स की वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये दिया हुआ है। तो इसलिए मेहनत करिएगा, हार ना मानिएगा, कहीं ना कहीं आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सही आंसर यहां पे सिर्फ और सिर्फ सी जो लोग लगा रहे हैं गलत हो जाएगा, लीगामेंट व जोड़ से रिलेट करेगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। खेल की चोटों के पूर्ण इलाज के लिए किस पर निर्भर रहना चाहिए? भौतिक चिकित्सा पर निर्भर रहना चाहिए, दोष निवारक व्यायाम चिकित्सा पर निर्भर रहना चाहिए, उपर्युक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं? 93, 1 से 2 बार रिवीजन करिएगा, सारे आंसर्स आपको याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे सभी आंसर आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, जिससे कहीं भी आपको प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन मिले या एग्जाम में क्वेश्चन मिले आप तुरंत अटेम्प्ट करेंगे। सही आंसर आपको बताना है 93 में हो जाएगा, उपर्युक्त सभी यानी भौतिक चिकित्सा और दोष निवारक व्यायाम चिकित्सा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से क्या रिकेट से संबंधित है? इसमें से आपको बताना है क्या रिकेट संबंधित है, कबूतर छाती, शोध या छीलन या फिर डी ऑप्शन, सभी उपर्युक्त सभी बताइएगा। 94 में अटेम्प्ट कर दीजिएगा आप लोग आंसर, और जितने क्वेश्चंस आपको मान लेते हैं आपके 6 क्वेश्चन सही हुए, 3 इसमें से गलत हो गए, तो इसमें आप लोग 1/3 के अकॉर्डिंग कट कर दीजिएगा 1 क्वेश्चन, आपके बचेंगे 3 क्वेश्चन सही थे, 3 गलत थे, तो आपके 2 ही मार्क्स बचेंगे। ध्यान रखिएगा जो आंसर आपको पता होगा, अगर माइनस मार्किंग है एलटी ग्रेड की अगर तैयारी कर रहे हैं वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिएगा। तो 94 का आंसर यहां पे क्या होगा? डी नहीं होगा, ए ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रक्त स्राव रोकने का अत्यंत प्रभावी और तुरंत उपाय है घाव पर सीधे दाब डालना, हिम चिकित्सा, जल चिकित्सा या फिर इनमें से कोई नहीं? 95, रक्त स्राव रोकने का अत्यंत प्रभावी और तुरंत उपाय आपको बताना है। इस क्वेश्चन के आंसर आपको अलग अलग मिलते हैं, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी होगा या फिर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट के माध्यम से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। भंग की अति सामान्य जगह कौन सी है? भंग की अति सामान्य जगह कलाई है, प्रबाहु है, हाथ है या फिर टखना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट 96 नंबर क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है क्या होना चाहिए यहां पे। ए ऑप्शन से रिलेट करेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए उत्तर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। खेल की चोटें किससे न्यूनतम की जा सकती हैं? मसाज, सोना बाथ, वाष्प बाथ और एक डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं बताइएगा। 97 का आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर सभी को अटेम्प्ट करना है। ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी होगा या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा। जल्दी से आप लोग अपना आंसर अटेम्प्ट कर दीजिएगा। सुपर टेट की क्लासेस भी जल्द ही आप सभी के लिए शुरू की जा रही है, जो भी वहां पे ज्वाइन होना चाहते हैं, प्राइमरी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने बीएड बीटीसी कर रखा है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए फीस आपकी टीजीटी लेवल की ही फीस रखी गई है, वहां पे आप लोग जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 आंसर हो जाएगा मसाज, ए उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन है। घुटने की कुस्कुरी की चोटें सामान्यतः किससे संबंधित हैं? ये किससे रिलेट करते हैं? तैरना से रिलेट करते हैं, नाव यानी खेना से रिलेट करेंगे, मुक्केबाजी या फिर फुटबॉल? मोस्ट इंपॉर्टेंट 98 नंबर क्वेश्चन फॉर DSSB केवीएस एनवीएस, बताइए। घुटने की चोट की बात की जा रही तो फुटबॉल से रिलेट कर जाएगा, डी ऑप्शन
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड। कंधे की विस्थापन चोटें सामान्यतः किससे जुड़ी होती हैं, किससे जुड़ी होती है? नाव खेना से जुड़ी होती है, बास्केटबॉल से जुड़ी होती है, वॉलीबॉल से जुड़ी होती है, या फिर जूडो से जुड़ी होती है, बताइएगा। और स्कोरिंग भी आप लोग करिएगा, 20 में आपने अगर 15 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं तो आपकी तैयारी सही चल रही है। अगर आपके 15 से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अगर आपने टीजीटी की भी तैयारी कर रखी है, तब आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि कंपटीशन टफ ही होगा, कंपटीशन आसान नहीं होने वाला है। 99 राइट आंसर यहां पे हो जाएगा, जूडो से रिलेट करेगा, डी ऑप्शन राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, निम्न में से कौन सी रीढ़ की चोट नहीं है? भंग, विस्थापन, डिस्क फिसलना और चीरा। ए बी सी डी में से आपको आंसर बताना है। और क्वेश्चन देखिएगा, नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा, उसके बाद ही आप लोग अपना आंसर अटेम्प्ट करिएगा। इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट भी कर सकते हैं, आंसर क्या होगा और साथ में स्कोर भी बताइएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर रिलेट कर जाएगा डी से, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं एलटी ग्रेड या टीजीटी से रिलेटेड, तो यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, वहां से आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको सारी वीडियोज एक साथ में मिल जाएंगी, वहां से उन वीडियोज को आप देख सकते हैं और अपना स्कोर भी आंक सकते हैं कि कितनी तैयारी आपकी चल रही और किस लेवल से आपको तैयारी करनी है। बस मेहनत करते जाइएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।